नजर आ रही हैं। बीजेपी को सत्ता से हटाने के लिए प्रसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव का सपा प्रेम एक बार फिर से छलक उठा। दरअसल लखनऊ से प्रयागराज जाते समय आज प्रसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव का रायबरेली में कार्यकर्ताओं द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। वहीं मीडिया से बात करते हुए जहां शिवपाल यादव ने प्रदेश की योगी सरकार का पर जमकर हमला बोला और बिकरू जैसे कासगंज कांड पर प्रदेश सरकार को आड़े हाथों लिया, वहीं इस्तीफे की पेशकश तक कर डाली। वहीं 2020 के विधानसभा चुनाव में गठबंधन के सवाल पर शिवपाल यादव ने कहा कि हम तो चाहते हैं कि सपा और हम मिलकर चुनाव लड़े, तभी भाजपा को उखाड़ फेंका जा सकता है। हम तो एक होने को तैयार हैं, पर कुछ लोग बीच में हैं जो हमें एक होने नहीं देना चाहते। हत्याएं बढ़ती चली जा रही हैं और जो अपराधी हैं उनके मनोबल बढ़े हुए और सरकार उसमें रुक नहीं पा रही है, तो सरकार फेल हो रही है, उत्तर प्रदेश सरकार फेल हो रही है। विपक्ष क्या कर रहा है, अगर सरकार फेल हो रही है तो विपक्ष क्या कर रहा है? आप विपक्ष अपनी भूमिका को सही तरह से निभाए, अब कितना निभा पा रहा है तो ये तो सुनना आप ही लोग करेंगे।